अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो आपके आई लैशेज और आईब्रोज की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव होगी। इस होममेड आई लैशेज और आईब्रोज ग्रोथ सीरम बनाने के लिए आपको चाहिए विटामिन ई कैप्सूल ए। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो पलकों को नरिश करके इसे मजबूत और घना बनाती हैं। एलोवेरा जेल एक चाय का चम्मच। इसमें अमीनो एसिड और प्रोटीन शामिल होते हैं। एलोवेरा जेल पलकों को मजबूत, घना और शाइनी बनाते हैं। जैतून का तेल आधा चाय का चम्मच। इसमें कई विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैतून के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स पलकों को तेजी से बढ़ाते हैं। कैस्टर ऑयल एक चाय का चम्मच। कैस्टर ऑयल में विटामिन ई, प्रोटीन और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये ना सिर्फ पलकों को मजबूत और घना बनाते हैं बल्कि इन्हें गिरने से भी बचाते हैं। सुरमा एक चुटकी या 1/8 टीस्पून और मस्कारा की एक खाली बॉटल। बॉल में तमाम चीज़ों को कंबाइन कर लें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट से आपकी आईब्रोज और आईलैशेस की हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट और क्विकन होगी। अब हम इस सीरम को मस्कारा की खाली बॉटल में ऐड करते हैं। बॉटल को भरने के बाद इसमें मस्कारा ब्रश अच्छी तरह डिप कर लें, एक्सेस हटा दें और इसे पहले अपनी पलकों पर डाउनवर्ड लगाएं और इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लें। अगर आपके पास मस्कारा की बोतल ना हो तो सीरम को किसी एयरटाइट कंटेनर में ऐड कर दें और इसे कॉटन बर्ड की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। आपने इसे रात को सोने से पहले अपनी आईब्रोज और आईलैशेस पर लगाना है। एक महीने के रेगुलर यूज़ करने से ही आपको वाजह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।